बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सातिया अफ़साल। नाज़रीन, पाकिस्तान में जहां इंटरनल इश्यूज़ की बहस जारी है, कभी मईशत पे बात हो रही है, पाकिस्तान के सियासी मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, एहतसाब कैसे हो, TORs कैसे बने, पार्लिमानी कमेटी किसी नतीजे पर पहुँचेगी नहीं पहुँचेगी, ये तमाम बहस मुबाहसे हैं। वहीं पर इस खत्ते के और पाकिस्तान के दीगर ममालिक से ताल्लुकात, खासकर पड़ोसी ममालिक का जिक्र किया जाए तो वो भी यहाँ तवज्जो हासिल करना चाहते हैं। अगर भारत के हवाले से बात करें तो हम हमेशा कहते हैं कि जी जो हमारा ईस्टर्न बॉर्डर है, वहां पर भारत किसी भी वक्त कोई भी इश्तियालंगेजी शुरू कर सकता है, तो पाकिस्तान की फोर्सेस को, हमारी अफवाज को वहां पर चौकन्ना रहना पड़ता है। वेस्टर्न बॉर्डर के हवाले से, ईरान के हवाले से, अफगानिस्तान के हवाले से हमेशा ये बात की जाती रही कि यहां पर इतना खतरा नहीं है, अफगानिस्तान और ईरान ऐसी कार्रवाइयां कर नहीं सकते या हो नहीं सकती, बिरादर ममालिक हैं। लेकिन अफगानिस्तान की जानिब से इतवार की रात को जो इश्तियालंगेजी शुरू की गई और जिस तरीके से पाक अफगान तोरखम बॉर्डर पर हमने देखा कि फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में हमारी साइट पर 9 सिविलियंस और 4 अहलकार जो हैं वो ज़ख्मी हुए थे, और जिसमें से एक मेजर अली जवाद जो हैं वो शहीद हो गए हैं, वो ज़ख्मों की ताब ना ला सके। आज उनकी नमाज जनाजा भी थी जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है उन्होंने शिरकत भी की। वजह तनाज़ा क्या बना और ये मामला शुरू कैसे हुआ, क्या ये पाक अफगान बॉर्डर पर जो तनाज़ा है ये सिर्फ अफगानिस्तान की हुकूमत का अपना फैसला है या पसे पर्दा मुहरिकात कुछ और हैं? जो हमें ISPR की जानिब से उनकी प्रेस रिलीज़ में बताया गया है कि तोरखम बॉर्डर के 37 मीटर के अंदर पाकिस्तानी हदूद में एक गेट तामीर किया जा रहा है, और उसकी वजह भी यही बताई गई है कि क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा लोग आते हैं अफगानिस्तान से, पाकिस्तान में एंटर होते हैं, और हालिया दिनों में ज़्यादातर दहशतगर्दों ने ये तोरखम बॉर्डर जो है इसका इस्तेमाल किया है, तो लिहाजा नकलो हरकत की निगरानी के लिए कौन पाकिस्तानी इलाके में दाखिल हो रहा है, कौन जा रहा है, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हैं, कागजात पूरे हैं नहीं हैं, ये तमाम चीज़ें देखने के लिए ये गेट जो है तामीर किया जा रहा है। और आपको ये भी बताते चलें कि ये पहला मौका नहीं है, पिछले माह भी इसी तरीके से तोरखम क्रॉसिंग को बंद करना पड़ा था और 5 दिनों के लिए बॉर्डर जो है वो क्लोज़ रहा था, और उस वक्त भी अफगान बॉर्डर सिक्योरिटी गार्ड्स की जानिब से ये ऑब्जेक्शन किया गया था कि यहाँ पर गेट की तामीर क्यों हो रही है। फिर उसके बाद मामला हल कैसे हुआ था कि हमारे आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ साहब और अफगान एम्बेसडर टू पाकिस्तान हज़रत उमर ज़ाखिलवाल की मीटिंग हुई थी, जिसके बाद इसको दोबारा से खोल दिया गया था इस बॉर्डर को। लेकिन अब दोबारा खैबर एजेंसी में हालात जो हैं वो कशीदा हैं, कर्फ्यू का निफाज है, लंडी कोतल से तो कर्फ्यू उठा दिया गया है, सीज फायर भी है, लेकिन इसकी वजूहात क्या हैं और मामला किस तरीके से हल किया जा सकता है, आज इन्हीं तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। मेहमानों का आपसे तारुफ करवा दूं, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। और हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी कॉलमनिस्ट अयाज अमीर साहब मौजूद हैं, आपकी तशरीफ़ आवरी का भी बेहद शुक्रिया अयाज साहब। मैं सैनेटर साहब आपसे आगाज़ अगर करना चाहूँ, आपको क्या लगता है कि ये मुहरिकात, और क्योंकि चीज़ें तो हम देख रहे हैं कि बिल्ड हो रही थी, हम अब इंडिया के, अमेरिका के नेक्सस की बात कर रहे थे, हम अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात की बात कर रहे थे, पिछले दिनों चाबहार पोर्ट को डेवलप करने का मामला आया तो इंडिया, अफगानिस्तान और ईरान के हवाले से बात हुई, लेकिन ये अफगानिस्तान का एकदम से इस तरीके से पाकिस्तान के साथ इश्तियाल अंगेज़ी का मुजाहरा, क्या मुहरिकात समझते हैं? सदिया, थैंक यू वेरी मच। देखिए, आपने अपने इंट्रो में बड़ा राइटली कवर किया है, और फिर ISPR के हैंड आउट के अंदर भी बहुत सी चीज़ें बड़ी वाजे हैं। हमारा ईस्टर्न बॉर्डर तो टेंशन है ही, वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर हम आल्दो बिल्कुल डोरमेंट है और यहाँ से अफवाज को हम ईस्टर्न बॉर्डर पे लेके जाते रहे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अफगानिस्तान के साथ ट्रेडिशनली कभी भी हमारी उस तरह सही अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, जो फॉर सम टाइम जब तालिबान की हुकूमत थी तो शायद थोड़ा इनका वो था, लेकिन बेतहाशा महाजरीन को 35 लाख 40 लाख लोग इधर आए और अभी तक वो इधर हैं, और फिर क्रॉसिंग्स हैं इस बॉर्डर के ऊपर, ये पोरस बॉर्डर है, नॉट वेल मैनेज्ड है, पाकिस्तान की तरफ से अगर को 800 पोस्ट हैं तो अफगानिस्तान की तरफ से ना होने के बराबर हैं, को 60 पोस्ट हैं, और फिर ये उनको ऊपर से कुनड़, नूरिस्तान, पाकतिया, पाकतिका, नंगरहार, खोस्ट, ये सारे नो गो एरियाज हैं। और आपने बड़ा राइटली कहा कि, और ये ISPR के उसके अंदर भी है कि ये जो आर्मी पब्लिक स्कूल का वाक़ हुआ था, ये तोरखम से आए थे, जो चरसदा यूनिवर्सिटी का वाक़ हुआ वो हुआ, तो अगर आपने अंगूर अड्डा की बात हुई तो बैठ के तय कर लिया और उसके अंदर अफवाज भी इन्वॉल्व हुई और हॉट लाइन
के ऊपर आपने डीजीएमओ से भी बात कर ली, तो फिर आप अगर हम पीछे एक बनाना चाहते हैं कि इससे जो लोग आए, क्योंकि उनको भी गिला है यहाँ से लोग जाते हैं काबुल में और उधर से जो आ रहे हैं, तो हमें उसको करना पड़ेगा स्ट्रीमलाइन। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बॉर्डर की जो पोस्ट के ऊपर बंदे बैठे हैं उनकी तो जरूरत नहीं हो सकती कि वो फायर खोलें और इस तरह लोगों को शहीद करें। दिस मीन्स के इसके पीछे और मुहरकात हैं, बहुत से वो लोग हैं और इंडिया का इन्फ्लुएंस भी अफगानिस्तान में अंदर है। बिगर गेम भी ये हो सकती है कि ये टेंशन क्रिएट की जाए पाकिस्तान के लिए और मसाइल पैदा किए जाए, लेकिन आई एम श्योर कि हुकूमत पाकिस्तान और जो अशरफ गनी साहब हैं जिनके ऊपर बहुत तवक्कुआत हैं हमारी, अब्दुल्ला अब्दुल्ला साहब का एक अपना स्टांस है, उनकी अपनी एक अलाइनमेंट है, तो कोशिश करके पॉलिटिकल लेवल के ऊपर और डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर इसको डिफ्यूज किया जाए। लेकिन हालात यहाँ तक पहुँचे कैसे, पहले आया सब उस हवाले से आपसे बात करते हैं। जिस तरह जनरल साहब ने कहा कि जो अफगान बॉर्डर सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, उनका तो अपना ये डिसीजन हो नहीं सकता, ये अफगान हुकूमत का फैसला है, ये अफगान हुकूमत को भी कहीं से ऑर्डर्स हैं ये करना है, पाकिस्तान के साथ ये फ्रंट खोलना है, इश्तियाल अंगेजी चलती रहे। कुछ अरसा पहले हमारे तल्लुकात जो हैं अशरफ गनी गवर्नमेंट के साथ अच्छे थे और उसमें गर्मजोशी भी थी और विजिट्स बहुत बहुत सारी, वो भी यहाँ पे आए, यहाँ से वहाँ भी गए, आर्मी चीफ तो काफ़ी दफ़ा मुलाकात हो गई। एक आपको याद होगा कि अशरफ गनी आए तो पहले वो खुद ही GHQ चले गए और जनरल राहिल शरीफ से हुई। तो ये हुआ क्या है, वो जो गर्मजोशी है अफगानिस्तान के साथ वो नहीं रही, उसमें कशीदगी आ चुकी है। पहले ये बावर किया जा रहा था अमेरिकन्स और अशरफ गनी हुकूमत की तरफ से कि पाकिस्तान कुछ डिलीवर करेगा, वो तालिबान को मेज पे लाएगा और पुरअमन हल जो है उसमें एक कलीदी बात कलीदी रोल पाकिस्तान अदा करेगा। ये जो तवक्कुआत थी ये सही हकीकत पसंदाना नहीं थी, उसमें पाकिस्तान से ज़्यादा तवक्को की जा रही थी। अगर हमने उनको बावर ऐसा कराया कि हम ऐसे ज़्यादा कर सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं, तो वो हमारी गलती थी। अच्छा, मुझे यहीं पे अब्दुल्ला अब्दुल्ला का मैं आज बयान देख रही थी जो आपने कहा कि अगर हमने बावर कराया तो लगता है कि हमने कराया, क्योंकि वो कहते हैं कि जी ये पीस प्रोसेस जो है ये ना शुरू हुआ या इसका नतीजा कोई नहीं निकला, ये पाकिस्तान को ब्लेम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारी तरफ से कोई यकीन दहानी तो कराई गई होगी कि हम कर सकते हैं ये किरदार अदा। नहीं, उनके क्या था कि हम उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, हम अमेरिकन से क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो हमसे क्या कर रहे थे। लेकिन जब मरी में एक राउंड टॉक्स की हुई थी उसमें ये तासुर दिया गया जो हमें नहीं देना चाहिए था कि हम तालिबान को मेज पे ला सकते हैं। बात ये है कि हमें अब अफगान देखे ना, जो तोरखाम पे फायरिंग हुई है ये एक मैटर ऑफ डिटेल, एक इंसिडेंट है, बड़ा जो तनाजुर है वो और है, बड़ा कॉन्टेक्स्ट बड़ा नक्शा और है। हमें अभी अफगान पूरी जो पॉलिसी है उसको रीअसेस करना चाहिए, जिसमें हमारे तालिबान के साथ क्या ताल्लुक होने चाहिए, बिल्कुल सही, हमारे रेफ्यूजीज की तरफ क्या होना चाहिए, हमारा बॉर्डर मैनेजमेंट की तरफ क्या होना चाहिए। यहां पे एक प्रॉब्लम आ रही है, इसके लिए एक जो सोच विचार होनी चाहिए जिस लेवल पे पाकिस्तान में होनी चाहिए वो इस वक्त नहीं हो रही। गवर्नमेंट नाम की चीज आपको इस अफगान तनाजर में नजर ही नहीं आ रही। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे तो आर्मी चीफ और जनरल हेडक्वार्टर्स सारा कुछ कर रहे हैं और ISPR की जानिब से वो जनरल आसिम बाजवा के ट्वीट का इंतजार किया जा रहा होता है। इस्लामाबाद में भी कोई सोच हो रही है, नहीं हो रही। जो मुल्ला अख्तर मंसूर मारे गए उसके बाद क्या हुआ, ये तो इनको वहाँ बुलावा GHQ में बुलाया गया, इनको कुछ वहाँ पे ट्यूटोरियल इनका लिया गया, उसके बाद से सरताज अजीज साहब जो हैं फिर एक्टिव हो गए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दे दी और कल वो जो सेनेट की कमेटी थी उसमें भी एक उन्होंने लंबी चौड़ी ब्रीफिंग दे दी। तो अब ये जो है एक रीअप्रेजल हमारा अफगानिस्तान पॉलिसी की तरफ क्या होना चाहिए, ये फौज की तरफ से भी,
फौज करेगी, सिविलियन हुकूमत, आपने जैसे खुद कहा कि वो कहां है, सारे आपको नजर नहीं आ रही पूरे एपिसोड के अंदर। एक ब्रेक भी ले लें और ब्रेक से वापस आएंगे तो याज साहब ने बात की जनरल साहब से, वही जानने की कोशिश करेंगे कि कल हमें सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स के अंदर जो फॉरेन सेक्रेटरी एजाज चौधरी साहब का बयान नजर आया कि जी अंगूर अड्डा जो है वो गिफ्ट नहीं किया गया, ये पोस्ट उसी तरह से है, एक गेट जो है वो कंस्ट्रक्ट किया गया, वो बतौर तोहफा जो है दिया गया। तो मैं ये ट्वीट्स देख रही थी जनरल आसिम बाजवा साहब की, और ये आई थी 21 मई 2016 को, यानी कल अगर हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ये बता रहे हैं तो वो तकरीबन 23-24 दिन के बाद बता रहे हैं, कल का उनका ये बयान आया, तो हुकूमत को इतने ताखीर से तमाम चीज़ें याद क्यों आती हैं? और ऐसे मामले पर भी हुकूमत कहाँ है? क्या वज़ीर आज़म साहब का कोई बयान आया? क्या वज़रा जो रोज़ाना PTI के हवाले से, पीपल्स पार्टी के हवाले से, सियासत के हवाले से, TORs के हवाले से दूसरों को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, यहाँ पर कहीं उनका फ़र्ज़ बनता है नहीं बनता? बात करते हैं एक वक्फे के बाद। जी वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। ब्रेक पे जाने से पहले अयाज अमीर साहब ने जो बात की थी वो जनरल साहब से हम जानने की कोशिश करेंगे कि हुकूमत कहाँ है इस सारे मामले के अंदर। हुकूमत की तरफ से हमने देखा कि जब यहाँ पर ड्रोन अटैक हुआ, मुल्ला मंसूर अख्तर की हलाकत की खबर आई, तब भी कोई स्टेटमेंट नहीं आया, तब भी बहुत दिन लग गए बयान आने में, और इस मामले पर भी खामोशी है। लेकिन उससे पहले ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है, फॉर्मर सेक्रेटरी फाटा हैं, उनसे भी इस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। ब्रिगेडियर साहब ये फरमाइएगा कि ये जो पाक अफगान तोरखम सरहद पर कशीदगी हुई, ये सारा एपिसोड आप किस तरीके से इसको देख रहे हैं, क्या इसके मुहर्रिकात हैं, ये सिर्फ एक एपिसोड है, एक इंसिडेंट है, या फिर इसके पीछे कोई बिगर गेम, कोई ग्रेटर गेम है? जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं, ये वाकया सिर्फ इतना सा है कि ऑपरेशन दरबार चल रहा है और उसके कंक्लूडिंग फेजेस में ये भी शामिल है कि बॉर्डर क्रॉसिंग को मजबूत किया गया है। इसके बारे में पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान मीटिंग हुई थी, उसमें फैसला किया गया था, और इधर पहले भी एक गेट लगा हुआ था, ज्यादा मजबूत नहीं था, और इस पे इन्होंने अफगानियों ने कहा था कि थोड़ा सा अपनी तरफ लगा के, तो मेरे ख्याल में 37 सीट पाकिस्तान की तरफ लगा दिया गया था। और ये इसके ऊपर मतलब बाकायदा बात हुई थी, अभी अचानक उन्होंने इसके ऊपर फायरिंग शुरू कर दी अनप्रोवोक्ड, बगैर किसी वजह के, और अभी बता रहे कि उनको इस पे एतराज है। तो मैं समझता हूँ कि ब्रिगेडियर साहब ये भी बताइएगा, जिस तरह मैं अभी एक बयान पढ़ रही थी, टॉप सिविलियन एडमिनिस्ट्रेटर हैं खैबर पख्तूनख्वा में खालिद महमूद, उन्होंने ये बयान दिया कि जी जब कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू करने लगे थे, हम ये गेट के इंस्टॉलेशन का काम शुरू करने लगे थे, तो हमने उससे पहले इन्फॉर्म कर दिया था अफगान अथॉरिटीज़ को, हालांकि हम किसी ऑब्लिगेशन के अंडर नहीं है, अंडर इंटरनेशनल लॉ अगर देखा जाए तो कोई ऑब्लिगेशन हमारे पर नहीं है कि इन्फॉर्म करना ज़रूरी है, क्योंकि ये हम अपनी सरहद में, अपने इलाके में कर रहे हैं, अपनी हदूद के अंदर कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं वो कि इसके जरूरी नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद उनके साथ बाकायदा कोऑर्डिनेट करके कि हम यहाँ पर जो है पुराने तारीख से चेकिंग शुरू करेंगे और ये गेट हम इस तरह बनाना चाहते हैं, तो उन्होंने ये कहा था कि थोड़ा सा आप अपनी तरफ बना दें, तो मतलब हमने भी वो जो पुराना गेट था उससे 37 फीट पीछे आकर बनाया, तो कोई वजह नहीं थी कि इसकी हो। मेरे ख्याल में इसमें सबसे ज्यादा जो वजह है, जो न्यूयॉर्क टाइम में आज कार्टून एक पब्लिश किया गया है और उसमें वो देख रहे हैं कि US और इंडिया जो है वो हाथी पे सवार है और पाकिस्तान और चाइना जो है वो एक घोड़े पे सवार है या गधे पे सवार है, तो उससे उनकी मेंटालिटी कि जो कुछ भी उनको नजर आ रहा है कि जो पाकिस्तान कर रहा है CPEC चाइना के साथ और चाइना की जो उभरती हुई मईशत है उसको देखते हुए उन्हें एक प्लान बनाया हुआ है इस रीजन के लिए, ठीक है, जिसमें तो बुनियादी वजह यही है कि जी पाकिस्तान को दबाया जाए, ठीक है, प्रेशराइज। ब्रिगेडियर साहब स्टे विद अस, मैं जनरल साहब से भी इसी हवाले से बात कर लूं कि ये जो उन्होंने कहा कि CPEC कितनी ज्यादा तकलीफ है और उसके मुहर्रिकात बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन ये जो है टॉप ऑफ द लिस्ट जो है ये आता है, और साथ ही साथ जो अयाज साहब ने बात की थी कि इसमें हुकूमत कहाँ है, बहुत सारे रिसेंट इवेंट्स, इंसिडेंट्स हमने देखे हैं जिस पर हुकूमत की तरफ से कोई बयान ही नहीं आता है। देखिए
जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक है ना, आप देखें अफगानिस्तान से मुतलक हुकूमत की पॉलिसी का जो ब्रॉडर विजन है वो क्वाइट क्लियर है कि हम उनके साथ बेस्ट रिलेशंस चाहते हैं। हमने तो खिते की बात की कि इंडिया के साथ भी बेटर चाहते हैं। हमने कहा कि अफगानिस्तान के मामलों के अंदर मुदाखलत नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमारी सरजमीन टेररिज्म के लिए इस्तेमाल ना हो, उनकी हमारे यहाँ इस्तेमाल ना हो। हमने उनको कहा कि आपकी हम जो डायलॉग हैं उसमें फैसिलिटेट अगर जिस हद तक हम कर सकते हैं वी आर रेडी। हमने महाजरीन की बात की कि ये वापस जाने चाहिए लेकिन हम धक्का दे के नहीं कर रहे, बट हमें कुछ करना। हमने बॉर्डर मैनेजमेंट की बात उनके साथ की। तो ये ब्रॉड इश्यूज तो क्वाइट क्लियर है ना। ये जो इंसिडेंट्स होते हैं टर्म्स, अगर आप कहते हैं कि जी वहां से टेररिस्ट यहाँ ना आए, यहाँ से वहां ना जाए, हम बात करते हैं उसी के लिए, आपने एक स्टेप लिया, एक इकदाम लिया, आपके सामने क्या मिला? देखिये ना, जो ब्रिगेडियर महमूद भी बात कर रहे हैं, जो आप भी बात कर रही हैं, इसकी इंटरनल फैक्टर्स भी हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं, और दोनों इंपॉर्टेंट हैं। इंटरनल की मैं बात ये कहना चाहता हूँ कि वेस्टर्न बॉर्डर की मैंने बात की, मैं इंटेलिजेंस के एक बड़े सीनियर अफसर से बात कर रहा था, उसने कहा अगर 4-5 रेगुलर क्लासेस क्रॉसिंग प्लेसेस हैं ना तो 262 इरेगुलर हैं। तो मैंने कहा वो तो ट्रैक होंगे और गदा गोड़। उसने कहा नो, जीपेबल और ट्रकेबल, और हर रोज अगर 40-45 हज़ार बंदे आते तो जाते हैं। दैट इज़ द रीज़न परहैप्स के इधर से हुकूमत ने उनको बताया कि हम ये बना रहे हैं। हमारी कोशिश है कि इसका फ़ायदा पाकिस्तान को भी होगा, आपको भी होगा, बिकॉज यहाँ से भी जो लोग जाते हैं अगर इस तरह खुले आते जाते रहें तो आपने कुछ तो कोई करना है। लेकिन ये बोगी देखें, इंडिया का एक पक्की लॉबी है अफगानिस्तान के अंदर भी, वो तो और वो आप बिल्कुल कह रही हैं, जो कहते हैं ड्यूरेंट लाइन, वो तो अपने मफाद में जो बेहतर समझेगा वो करेगा, पाकिस्तान के खिलाफ करेगा। बट हमारे हमारे यहाँ बलोचिस्तान में सेटल्ड एरिया में ड्रोन हमला हो जाता है, वजीर आजम का बयान नहीं आता। यहाँ पे ये हो जाता है, 13 लोग जख्मी हो जाते हैं, एक मेजर शहीद हो जाता है, वजीर आजम का बयान नहीं आता। वो बजट की वो मीटिंग थी, वो जो वीडियो लिंक और स्काइपिंग हो रही थी वो कहाँ चली गई? अगर बाहर भी है तो अब कर लेते हैं। आप इश्यूज को थोड़ा सेपरेट रखे ना, बयान आना एक छोटी बात है, वाकया देखिए वजीर आजम का बयान, मेरी बात देखिए, आपके लिए अहमियत का एहसास होगा। विद इन 48 आवर्स सरताज अजीज साहब ने ये जो ड्रोन का मसला हुआ था उसके ऊपर अपनी जो कुछ भी उनकी अपनी थी, अभी आप देखें ना ऑरलैंडो के अंदर ये मसला हो गया है। अभी गवर्नमेंट उनकी हर चीज इकट्ठी कर रही है, वो करेगी तो फिर एक कंसीडर्ड ऑरलैंडो का मसला हुआ, ओबामा साहब का फौरन से बयान आया, उन्होंने अपने आवाम को एतमाद में लिया कि हम क्या कर रहे हैं ऐसे। आपकी मिनिस्ट्रीज, आपके इंस्टीट्यूशंस, वो आप बयान देते हैं, ये आप अपनी जगह के ऊपर एक बात ठीक कह रही है। लेकिन मैं कहता हूँ ज्यादा मसला ये है कि ये इवेंट्स हुए क्यों, डिस्पाइट अवर एफर्ट्स, इनके पीछे क्या है, हमारी कितनी कोताहियां हैं, अफगानिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, उसको अंडरस्टैंड। कल जो सेनेट की हमारी मीटिंग हुई है उसमें मैं मेंबर हूं चूंकि डिफेंस का, तो आई वाज आल्सो प्रेजेंट देयर, और वो उन्होंने पूरी ब्रीफिंग, अंगूर अड्डा के सब डिफेंस सेक्रेटरी भी मौजूद थे, फॉरेन सेक्रेटरी भी मौजूद थे, फॉरेन अफेयर्स के हमारे एडवाइजर भी मौजूद थे, और बड़ी खुल के यही सारी बातें हुई। अपने तौर पे उस मीटिंग में 22-23 दिन लग गए फॉरेन सेक्रेटरी को समझाने में, बताने में, एक्सप्लेन करने में कि भाई अंगूर अड्डा हवाले नहीं किया, पूरी पोस्ट हवाले नहीं की। हमने बुलाया तो वो आए और उन्होंने उनको क्वेश्चन को नहीं बताया था आवाम, तो वो जनरल आसिम बाजवा के ट्वीट पर ही, जनरल आसिम बाजवा का ट्वीट भी जो है ये पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, एक ऑर्गन है जो डिप्लॉयड है, जो आर रेडी उन चीजों से डील कर रहे हैं, वहां हालत जंग में है, फौज आपकी डिप्लॉयड है, तो उन्होंने यही बताया ना। पहले तो ये हो गया कि फौज ने पाकिस्तान से पूछे बगैर हुकूमत से ये पूरी पोस्ट उनको दे दी है, बाद में क्लैरिफाई हुआ कि ये नहीं है, तो वो और उसके बाद वो क्लैरिफाई हुआ कि ये गेट था, ये पहले ही उनकी तरफ था, और एक गुडविल जेस्चर चेक कहता है तो आप उसके ऊपर एडमेंट भी हो सकते थे। आपने कहा ठीक है, और साथ ये अंडरस्टैंडिंग भी हुई कि इधर से भी रेगुलेट करेंगे, ठीक है। अभी उस अंडरस्टैंडिंग पे अफगानिस्तान एक चीज, ये न्यूयॉर्क टाइम्स का ही कार्टून का तो जिक्र किया ब्रिगेडियर साहब ने, एक उन्हीं की स्टोरी है, उन्होंने ज़रावर ज़ाहिर जो पुलिस चीफ हैं नंगरहार प्रोविंस के अफगानिस्तान के, उन्होंने उनका जिक्र किया कि उसने एक वीडियो फेसबुक पर पोस्ट की और जो लिखा है, मैं वही कोट करूंगी कि स्ट्राइक हार्ड इनफ टू ब्लो अप नवाज शरीफ होम, कि ये उन्होंने अपने लोगों को, अहलकारों को वहां पे हुक्म दिया। तो वहां पर तो ये है इश्तियाल का आलम और हम चाह रहे हैं कि जी बड़े अच्छे रिलेशनशिप्स हों। इससे वाजे हो रहा है कि अफगानिस्तान का जो एटीट्यूड है वो जारहाना और बिलिजरेंट और टफ जो है हमारी तरफ हो गया है। हमने सोचना है अब कि अफगान पॉलिसी
जो है हमारी होनी क्या है। ये जो आपने जो पूछा कि गवर्नमेंट कहाँ है, इसको आप भूल जाइए। जिस तरीके से आर्मी से बात करनी चाहिए वो नहीं है। उन्होंने वो फैसला कर लिया हुआ है सिक्योरिटी अफगानिस्तान फलाना फलाना, ये उन्होंने कर लिया। हमने अफगानिस्तान के बारे में किन नज़रों से देखना है। ये जो हमने बर्डन अफगानिस्तान का अपने कंधों पर और सर पर रखा हुआ है, तालिबान भी यहाँ पे हैं, क्वेटा शूरा का मकसद क्या है, हमने कौन सा ठेका लिया हुआ है उनका, उससे हमें हासिल क्या हो रहा है। ये जब सरताज अजीज कहते हैं कि हमने उनको फैसिलिटीज दी हुई हैं अस्पताल में हेल्थ में, तो हमारा थोड़ा बहुत असर है, ये हमने क्यों ऐसे किया हुआ है। ना यहाँ पे हमें ना उनसे जारहाना अफगानिस्तान के साथ हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हम ना इंडिया के साथ, और ये एक वो डबल फ्रंट सिचुएशन हम नहीं अफोर्ड कर सकते, ना हमारी तरफ से ऐसा इश्तियाल आना चाहिए। पर ये अपने सर से ये बोझ उतारें तो सही। हम ये क्यों, ये है हमें अफगानिस्तान को हम इंडिया की दूरबीनों या लेंसेज से क्यों देखते हैं। हमें वहाँ पे अगर टाटा बसेस काबुल में चलती हैं तो हमें कौन सा वो, मतलब क्यों हमें बुखार चढ़ जाता है। इंडिया विल फाइट फॉर इन्फ्लुएंस ओवर देयर, रशिया विल फाइट फॉर इन्फ्लुएंस ओवर देयर, ईरान करेगा। हमारे तल्लुकात हैं जग्राफिए के लिहाज से और बहुत से लिहाज से, हमारा एक तल्लुक इन्फ्लुएंस रहेगा। सही। पर ये जो डर जाना कि फलाने आ गए फलाने आ गए, उसे ऐसा करना, चौकन्ना रहना चाहिए, बिल्कुल हमें अलर्ट रहना लेकिन चाहिए। लेकिन वो जो महवर है वो इंडिया, क्योंकि हमारे तो सरताज अजीज साहब ने खुद बयान दिया कि हमारी फॉरेन पॉलिसी का जो एक्सेस है, जो महवर है, वो इंडिया है, वो भारत है। ये इस पे भी जरा बात करते हैं और ब्रेक ले लें। ब्रिगेडियर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, अयाज साहब ने भी जो बात की कि फॉरेन पॉलिसी विज़ा वी अमेरिका विज़ा वी अफगानिस्तान, ये तमाम चीज़ें आपको दोबारा से देखने की ज़रूरत है, नज़रसानी करने की ज़रूरत है। तो वो फॉरेन पॉलिसी क्या होगी और जिन बहुत सारी चीज़ों का उन्होंने जिक्र किया कि आपने बर्डन रखा हुआ है अपने पे, इसको कैसे उतारा जा सकता है, बात करते हैं एक वक्फे के बाद। जी वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो अयाज साहब ने कहा कि अगर इंडिया कुछ कर रहा है अफगानिस्तान में अपना असर रसूख अपना इन्फ्लुएंस बेहतर करने के लिए या उसको बढ़ाने के लिए, तो वो तो करेगा जाहिर है, और भी कोई मुल्क हो अपने मुफाद में हर काम करेगा, तमाम चीज़ें जो उसको सही लगेंगी, लेकिन पाकिस्तान जो है वो अपने ताल्लुकात या अपने लिए चीज़ें, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी के हवाले से हो, कैसे दूसरों से ताल्लुकात रखने हैं और क्या करना है, किन टर्म्स और कंडीशंस पे होना है, वो किस तरह कर सकते हैं सर। हम दरअसल मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की अफगान पॉलिसी में क्लैरिटी नहीं है और ये भी जो है गलत है, किसी फॉरेन पॉलिसी जो है वो जीएसयू को चलानी चाहिए। मैं समझता हूँ कि सबसे पहले जब ये मियां साहब की हुकूमत आती है तो पहला सवाल लोगों के दिमाग में आता है कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल क्यों नहीं है, और यही वो गैप है जहाँ पर, क्योंकि डिफेंस की भी रिक्वायरमेंट्स होती है, अपनी सिक्योरिटी की भी रिक्वायरमेंट्स होती है, फॉरेन पॉलिसी को भी देखना पड़ता है। अफगानिस्तान में हमने वैसे ही समझ लिया है कि ये वहाँ पर कोई इन्फ्लुएंस हासिल करना कोई शायद हमारे लिए बहुत फायदे की बात है। मैं समझता हूँ कि हमें सबसे पहले अपनी डिफेंस सिक्योरिटी की तरफ देखना है। हमारे यहाँ 30 लाख अफगान मुहाजिरीन है, ये जो है इनके अंदर अफगानिस्तान से कुछ लोग आते हैं वो तालिबान के रिश्तेदार होते हैं, उनके फैमिली भी होती है, फिर वो खुद आते हैं उनको विजिट करते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। यानी ये हुकूमत जो है 30 लाख लोगों को देख नहीं सकती 24 घंटे की, कौन लोग इधर मुल्ला मंसूर है। इसी पे एक छोटा सा सवाल करूँ, एक जमनी सवाल करूँ, ये जो रेफ्यूजीज की बात आप कर रहे हैं, इज इट हाई टाइम दे वर सेंट बैक? Absolutely. ये जो है हमें 2 साल से पहले जोर देना चाहिए बाकी हुकूमतों के ऊपर कि वहाँ पर अभी आप कैसे क्या मना गया, इनको वापस अफगानिस्तान ले जाए। 30 लाख लोग आपके इकोनॉमी के ऊपर सिर्फ बोझ नहीं है, आपके लिए सीरियस सिक्योरिटी खदशात पैदा कर रहे हैं, और ये जो हम बात करते हैं कि वो आते हैं और इसलिए चले जाते हैं, इस तरह हमारे अस्पतालों के ऊपर बोझ बढ़ा दिया गया है, हमारे अपने लोगों को हेल्थ फैसिलिटीज नहीं मिलती, तो मैं समझता हूँ कि हमें देखना चाहिए कि नंबर वन
ये उस तरह चला जाए, बॉर्डर के ऊपर जैसे हम ये कर रहे हैं ये मजबूत हो जाए, इसको अभी वो हो जाएंगे। अभी तक जो है 47 से लेके अभी तक हमने उनको पूरी छुट्टी दी हुई है कि वो आए और जाए। आपने देखा कुछ दिनों पहले एक वाहिदी साहब थे इस्लामाबाद में, किसी ने अगवा कर लिया, वो अफगानिस्तान की हुकूमत ने डिमांड किया कि जो उसको पैदा करो, अभी उसको फलाना करो ऑफिशियल। तो हम कहते हैं क्या ये पाकिस्तान की जिम्मेवारी है? हमने अफगानिस्तान में क्यों ये जिम्मेवारी दी है कि वहां पर अमन हम ले आएंगे? अमेरिका सुपर पावर 41 और मुल्कों के साथ 15 साल में अमन नहीं ला सका वहां पर, हम क्यों ये जिम्मेवारी ले रहे हैं कि अफगान तालिबान? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं ये काफी अहम नुक्ता है जनरल साहब जो उन्होंने बात की कि हमारी ये जिम्मेदारी क्यों है कि हम अफगानिस्तान में अमन लेकर आएंगे, हमें तो अपने मुल्क को देखना है, अपने हालात को देखना है। जी ठीक है सादिया, देखें ऑन वन हैंड हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान की अफगान पॉलिसी जी क्यू में बनती है, ठीक है, और ये एक पोलिटिकल एक रिवाज बन गया। बता दें बनती है जी क्यू में, मुझे पूरी करने देना बात। ये कहा जाता है हर जगह पे कि जी फॉरेन पॉलिसी तो बनाते जी क्यू, उसी ब्रेथ में हम कहते हैं कि आपकी फॉरेन पॉलिसी अफगानिस्तान के रिगार्ड से फेल्ड है, आप गलत करते हैं, आपने शूरा बनाए हुआ आपने। मेरे ख्याल में ये दोनों चीजें गलत हैं। उसकी वजह यह है कि आपकी अफगान पॉलिसी के लिए आपको गाइडलाइन तो यहां से मिलेगी, लेकिन जीएचक्यू का या आर्म फोर्सेस का एक रोल है, बिकॉज आप इन कॉन्फ्लिक्ट हैं, इंडिया हो या अफगानिस्तान हो, उससे फौज को आप नहीं निकाल सकते जब आप अपनी पॉलिसी बनाते। तो दैट इज व्हाट आई वांट टू से कि उनकी कंट्रीब्यूशन जरूर है, लेकिन अगर ये पॉलिसी फ्लॉड है तो ये जीएचक्यू का कसूर फिर नहीं है, ये कसूर हुकूमत का भी। और ये सच्ची बात है कि आपको अगर यहाँ कहीं हमें फेलियर होता है, हम कामयाब नहीं होते ईरान से रिलेशन बेटर करने में अफगानिस्तान में, तो हमें सोल सर्चिंग करनी है पार्लियामेंट के अंदर, हुकूमत के अंदर, कि ये कैसे वो हो नहीं रही ना। मैं सिर्फ आपकी जमात को नहीं, सारी पॉलिटिकल फोर्सेस को देख लें, सियासत हो रही है, कुछ और इश्यूज पे हो रही है, असल इश्यूज पे बात नहीं होती। फॉरेन पॉलिसी के हवाले से कितनी बार बात हुई है, पार्लियामेंट में कहां जरूर डिलिबरेट होना चाहिए। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, ये इंपॉर्टेंट इश्यूज है हमारे, आपकी जो इंटरनल पॉलिसी है, आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है, और इनको हैंडल करने के लिए आपको ये वो करना चाहिए। लेकिन हमें सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की बजाय थोड़ा आगे देखना है। आप देखें फॉरेन पॉलिसी की कामयाबी या नाकामी का दारोमदार सिर्फ एक मुल्क पे नहीं होता। आप यू मे बेंड बैकवर्ड्स और ट्राई योर बेस्ट कि हम अफगानिस्तान अपने भाई हैं, इनके इनके बच्चों को हमने रखा हुआ है, इनके लिए अपने अपने आंगन खोले, इवन देन वहां एक एलिमेंट है जो वो नहीं चाहता, और अगर CIA भी नहीं चाहता और अमेरिकन की इन्वॉल्वमेंट भी है और CPAC की भी लोग बातें हैं ना, वो जो रेफ्यूजीज की बात हो रही है, इकोनॉमी पे भी बोझ है, बहुत अरसा आपने पनाह दे लिया, उसके ऊपर पूरी रवैया है तो वापस भेजना चाहिए, ऑफ कोर्स उसके ऊपर होना चाहिए, उनकी रजिस्ट्रेशन होके उनको वापस जाना चाहिए। हर फोरम पे हम ये बात कर रहे हैं, और ये अफगानियों के साथ भी बात हो रही है, जब ये उनके साथ उनके चीफ एग्जीक्यूटिव से बात हुई तो उन्होंने कहा आपके 4-5 लाख लोग हमारी तरफ भी आ गए हैं ज़र्बे अज़ब की वजह से। तो हमने कहा कि ठीक है जी, उनके अंदर तो बहुत से ऐसे फजलुल्लाह जैसे भी बैठे हुए हैं जो अंदर क्रॉस करके हमें मारते हैं, तो बैठ जाते हैं, हम ये देखते हैं, हमें ये सौदा मंजूर है कि वो 4 लाख हमारे वापस आएँ और आपके 35 लाख वापस चले जाएँ। तो देयरफॉर मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि हम लोग, हमारे जो मुहक्किक हैं, दानिश्वर लोग हैं, ये इम्पार्शली इस एरिया को देखें, ये मुश्किल वक्त है और हम मेरी एक तारीख है जिससे आप जुदा नहीं हो सकते। 2-3 सालों के अंदर एक हुकूमत आके इन सारे इल्स को ठीक भी नहीं कर सकती। आपकी यहाँ आर्मी की इन्वॉल्वमेंट रही, आपकी पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स वीक रही, तो इस खिचड़ी को ठीक करने के लिए अगर आप हमें आगे इन्वॉल्वमेंट की वजह से या किसी सिविलियन हुकूमत की वजह से, तो अब ये चीजें ठीक कैसे होंगी? जनरल साहब ये बात करें, आया साहब से ये जानने की कोशिश करेंगे राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। जी वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। अया साहब, एक तो जो जनरल साहब ने ब्रेक पे जाने से पहले बात की थी कि जो भी तारीख रही वो हिस्सा है, हमारे सामने है, वो उसको हम जुदा नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब आगे कैसे बढ़ना है? जिसका भी फेलियर रहा, जिसने भी पॉलिसी बनाई, खासकर अफगानिस्तान के हवाले से क्योंकि हम बात कर रहे हैं, तो अब आगे होना क्या चाहिए? कौन से 2-4 बुनियादी नुकात हैं, स्टेप्स हैं जो हमें उठाने की ज़रूरत है? पहले तो क्लैरिटी होनी चाहिए जो नहीं है, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होनी चाहिए जो नहीं है, दो ये चीज़ें हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो प्रेशर आ रहा है वो सिर्फ तोरखाम पे नहीं आ रहा और अफगानिस्तान की तरफ से नहीं आ रहा,
अमेरिका भी हमें मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा रहा है कि हम जो अफगानिस्तान में बदअमनी है, जो शोरश है, उसमें पाकिस्तान की वजह से, हम उससे डिसएग्री करते हैं पर पाकिस्तान से है। इंडिया को मौका मिलता है, यूएस कांग्रेस के सामने जाते हैं तो वो कहते हैं कि टेररिज्म तो इनक्यूबेट हो रही है हमारे नेबरहुड में, फिर मुर्दे इल्ज़ाम हम पे है। और अफगानिस्तान अपने तमाम मसाइल की जड़ आसमान से लेकर जमीन तक पाकिस्तान को गिरवाता है। आप काबुल चले जाए, किसी से बात करें, आजकल बाय द वे काबुल जो है उर्दू स्पीकिंग एक सिटी हो गई है, तमाम उर्दू, क्योंकि सारे के सारे यहाँ पे रहे हैं, लेकिन वो पूरा जो है हशर जो है उसको ब्लेम पाकिस्तान पे करेंगे। अब इसके जवाब में हमें अमेरिका से ठोस बात करनी चाहिए कि देखिए आप 15 साल तक नहीं कर सके तो हम भी ऐसे नहीं हैं, हमें रेफ्यूजीज के बारे में करना चाहिए, अफगानिस्तान के बारे में इससे ये वजन जो टोकरा है अफगानिस्तान का हम अपने सर से उठाएं, नो तालिबान शूरा, नो क्वेटा शूरा, ठीक है, नो हकानी नेटवर्क, नो अफगान रेफ्यूजीज। आप ये नहीं कर सकते कि हाँ जी रेफ्यूजीज को आप पुश करेंगे और हम पे इल्जाम हो कि वो हकानी यहाँ पे क्या कर रहे हैं या उनके घर तो यहाँ पे रहने के लिए बाराकाऊ में है। ये आपको एक क्लियर फैसला करना होगा, यहाँ से आप जाएं, इसको हमें प्रेशर देखना। लेकिन एक गवर्नमेंट या एक सियासी महाज जो है जो इंतशार का शिकार हो पाकिस्तान में, वो ये फैसले नहीं कर सकता। दीज आर टफ डिसीशंस। ये जो है कि ये कहना बड़ा आसान है कि अफगान रेफ्यूजीज को आप वापस भेज दें, आप जरा ट्राई करके देखें तो सही, आपकी पुलिस फोर्सेस एडिक्वेट हैं, फिर आपने फौज को धकेलना है, आप फ्रंटियर को खैबर पख्तूनख्वा को आप भूल जाएं, आप इंडस क्रॉस करें, मियांवाली से लेके आप चकवाल होते हुए आप पंजाब में जाएं, कोई बस्ती नहीं है, कोई गांव शहर नहीं है जहां पे एक अफगान आबादी ने जन्म नहीं लिया। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारा जो शहर चकवाल है उसके इर्द गिर्द और पूरे पहाड़ों तक जो सॉल्ट रेंज है, सारे के सारे जो हैं वहाँ पे अफगान लोकेलिटीज हैं, आप इन्हें कैसे खाली करेंगे? यू नीड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, इफेक्टिव पुलिस फोर्स जो आपके पास नहीं है। बिल्कुल सही है, बहुत सारी चीजें। फिर आपने फौज को भेजना है वहाँ पे करने के लिए। और ब्रिगेड साहब, ये जो बात हुई ये बड़ी अहम है कि सियासी इंतशार कह लें, अगर किसी हुकूमत उसका शिकार है तो फिर कैसे मामला ठीक होंगे, कैसे डिसीजन लिए जाएंगे? क्योंकि सिर्फ अफगानिस्तान के हवाले से नहीं, अगर अभी रिसेंट इवेंट्स को देख लें, जैसे यूएस कांग्रेस का जिक्र किया, मोदी ने वहां जाके पाकिस्तान को ब्लेम किया, वहां पर जिस तरीके से उसकी मीटिंग्स होती हैं, जिस तरीके से इंडिया काम करता है, उनके थिंक टैंक्स काम कर रहे होते हैं वहां पर, डिप्लोमेटिकली लॉबिंग जो है वो चल रही होती है, वो पाकिस्तान उस पर बड़ा नाकाम नजर आता है, बहुत पीछे नजर आता है बहुत सारी चीजों में। हमें अब NSG याद आए, सरताज अजीज साहब जो है अब दीगर ममालिक से रबते करना शुरू हुए, तो इस सिनेरियो में भी तो वही डिले टैक्टिक्स या वही सुस्त रवि जो है वो हमें नजर आ रही है हुकूमत की तरफ से। हमें मालूम है कि हमारी जो बेस्ट है वो गवर्नेंस जो है उसकी वीकनेस है, और ये तमाम जो प्रॉब्लम है इनकी जड़ है उसके अंदर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन करना होना, जैसे जमीन साहब कह रहे हैं, या कोई आपकी जो गवर्नेंस का सिस्टम है, यानी ये जो अफगान की चीज है, एक लोकेशन जहाँ जहाँ उनकी बर्जियां पड़े हुए हैं, नादरा से वो आपके ID कार्ड बनाते हैं, उसी से पासपोर्ट बनाते हैं। पाकिस्तान का तो मैं समझता हूँ कि तमाम के ऊपर जब आपकी अंदर जो आपकी सोसाइटी है जिसको आप स्ट्रक्चर करें, और इस सोसाइटी के अंदर जो है आपकी एडमिनिस्ट्रेशन इसको स्ट्रक्चर करें, इस तरह से करप्शन निकाले, यही अफगान जो है वो सर्टन अमाउंट देख के जो है वो शनाख्ती कार्ड बनाती है। सारी दुनिया को मालूम है, यानी ये तो मालूम बहुत आसान है कि ये कौन सी फैमिली है जो तो रह रही है। हमारे यहाँ वो एक ही जुबान और एक ही कपड़े है के तब भी हम पहचान सकते हैं कि ये अफगान है। तो मैं समझता हूँ कि हमें प्रायोरिटी वाइज अपने काम करने चाहिए कि अफगान को अपने मुल्क में वो ले जाए, मतलब एक सुपर फोर्स के काम नहीं करेगा, लेकिन इसके साथ बात जाए, ताकि ये अपने वापस जाने के ऊपर मजबूर हो
जहाँ तक ये चीज है कि इसकी वजह से हमारे ऊपर इल्जाम लगते हैं, क्योंकि ये हमारे ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब हमसे बात कर रहे थे। जनरल साहब आप इस पर क्या कहेंगे, क्योंकि हुकूमत के हवाले से बात की है कि बहुत सारे स्टेप्स जो हैं वो हुकूमत को ही लेने की जरूरत है, इनिशिएट करने की जरूरत है। हम कहते हैं कि जिस सफारती महाज पर हम कामयाब नहीं हो सके, चाहे हम इंडिया के हवाले से बात कर लें, अफगानिस्तान के हवाले से बात कर लें, अमेरिका का जो रवैया हमारे साथ है उस हवाले से भी हम कोई बावर नहीं करा सके दीगर फोर्सेस को। देखें मैं जो शब्द की बात को आगे लेके जाऊंगा, और आई क्वाइट एग्री, जब ये कहते हैं क्वेटा शूरा भी ना हो, ऑफ कोर्स ना हो, हकानी ग्रुप का ब्लेम हमारे ऊपर से आए, आल दो हकानी एक ट्राइब अफगानिस्तान का है और उसका मेजर पोर्शन सेंट्रल अफगानिस्तान के ऊपर काबिज है आज भी। और तीसरी जो बात है अफगान महाजरीन की बात है कि हमें वापस भेजना है, लेकिन फिर आजमी साहब ने खुद कहा कि ये एक इतना आसान काम नहीं है, आप उनको हाथ लगा के देखें, आप बात करें, अभी इधर कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी है, कार्ड बने हुए हैं, वोट बने हुए हैं, पार्लियामेंटेरियंस ही बात नहीं करने देते, वो कहते नहीं जी ये तो मेरा वोटर है, तो मसाइल हैं जिनको हमने हल करना है। अभी अमेरिका की हमारे खिलाफ दुश्मनी है, उसकी क्या वजह है? वजह यह है कि 15 साल टकरे मारी हैं पूरे अफगानिस्तान में, सारी टेक्नोलॉजी के बावजूद वो इनको ख़त्म नहीं कर सके, वहाँ ना अलकायदा को ख़त्म कर सके ना कुछ किया, तो आज वो हमसे कैसे तवक्को करते हैं कि हम फौरी तौर पे इनको हैंडल करके ठीक करेंगे? हमने अपनी एफर्ट की, कुर्बानियाँ भी दी, दूसरी अफगानिस्तान गवर्नमेंट नहीं रहा। देखिए अफगानिस्तान गवर्नमेंट भी अमेरिकन टैंकों पर बैठ के उधर हुकूमत है, उन्हीं का आइन है, उन्हीं का, आप अपने तौर पे एक ओपन सोसाइटी के अंदर अपने लोगों को लेके आए। अभी इनको ये सहारा चाहिए कि हर बंदा हमें सपोर्ट करे और किसी को ना करे। हम कहते हैं हमारी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आप अपने मसाइल को खुद समझे, सो इनका भी एक एंगल है। अच्छा, जब हम कहते हैं कि इंडिया सेंट्रिक है हम, तो हम ये कहते हैं कि इवन अफगानिस्तान की सिचुएशन के अंदर भी जो एलिमेंट बलूचिस्तान के खिलाफ या पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं और जिनका भी हमारे पास सबूत है, फिजिकली बंदा पकड़े हुए हैं हमारे पास, ये सारे भी उधर से ऑपरेट करते हैं उन बॉर्डरों के अंदर से। तो इसलिए ये जो नेक्सस है यूएसए का और इंडिया का और इसराइल वगैरह का, उनके साथ वो बिगर गेम, ये सिर्फ एक इंसिडेंट, एक इवेंट नहीं है। सो इट्स बिल्कुल इट टाइम टू कॉल अ स्पेड अ स्पेड, नो बीटिंग अबाउट द बुश के जी अमेरिका का हमारी जरूरत थी तो ठीक था, अब नहीं है जरूरत, सीपैक की भी तकलीफ है, बहुत सारी चीजें चल रही हैं। इट बी अनफेयर अगर मैं ये कहूं कि नहीं ये सारी बात बाहर गेम की है। मैं ये कहता हूं हमने भी अपने मसाइल को हल ठीक नहीं किया, बट ये सिर्फ 3 या 5 या 10 सालों की बात नहीं है, ओवर ए पीरियड 9/11 के बाद ही आपकी पॉलिसीज को आपने हैंडल ठीक नहीं किया तो यहाँ पहुंचे। अभी हमें सर जोड़ के बैठना चाहिए और हमें आने वाले जनरेशन के लिए लास्ट वर्ड आया सब आपसे, ये हम अपने दिमाग से निकाल दें कि हम अफगानिस्तान में पीस डिलीवर कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। ये अफगानिस्तान का मसला है, अफगानियों पे छोड़ना चाहिए, अमेरिकन वहाँ पे उनके पहाड़ों से अपना सर टकराएं। हमें जो ये जोम है कि हम ये कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, इस जोम से हमें निकलना चाहिए। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया अयाज अमीर साहब आपका, जनरल अब्दुल कयूम साहब आपका और ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब का भी, उन्होंने हमें ज्वाइन किया था। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।